हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। दोस्तों, वीकली टेक अपडेट्स के 8वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जो अभी अपलोड आप देख रहे हैं, ये संडे को होने वाली थी बट मंडे को हो रही है। ये पिछले वीक का है, तो कल मैं अपलोड नहीं कर पाया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो मैं आज इसको अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, ये कुछ चैनल के बारे में न्यूज है। सबसे पहले तो के चैनल पे हम लोगों ने 300 सब्सक्राइबर प्लस कर लिए हैं, और इसके अलावा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक अपना पहला व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप जियो का सिम कैसे EKYC प्रोसेस के थ्रू खरीद सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं और जियो सिम का बारकोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर कार्ड्स पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। इसके अलावा गुप्ता जी टेक्नोलॉजीज, जो कि पहले टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्ता जी थे, उनके चैनल में पुराने चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने अपना नया चैनल बना लिया है गुप्ता जी टेक्नोलॉजीज। उनकी भी आपको लिंक ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगी, वहां से जाइए। और अगर आप उनको पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं तो फिर से जाकर उनके नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने नहीं किया है तो भी आप जाइए और कर लीजिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं अडोब के बारे में, कि अडोब के 3 नए एप्स आए हैं एंड्रॉइड्स के लिए जो कि 3D एडिटिंग में यूज होंगे। उसका 3D प्रोजेक्ट जो है फ्लिक्स, उसमें उसने ये तीनों ऐप बनाए हैं। एक का नाम है अडोब फिक्स, दूसरे का नाम है अडोब स्केच और तीसरे का नाम है अडोब कॉम्पैक्ट CC। तो ये तीनों ऐप्स क्या है और कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों, ब्लैकबेरी का एक नया फोन लीक होके आया है, जिसके अंदर आपको मिलेगा टच स्क्रीन, साथ साथ नीचे में क्वार्टी कीपैड अलग से। तो ये फोन का मॉडल नंबर होगा DT EK70, और फिलहाल तो अभी ये रूमर्स ही है, तो देखते हैं कि असल में क्या निकल के आता है। दोस्तों, यहाँ पे HTC का एक नया फोन आया है, HTC 11, जिसका HTC वालों ने नाम रखा है। इसके अंदर आपको 5.5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, साथ साथ Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर मिल जाता है, Adreno 530 का GPU मिल जाता है। ये आपको 3 वेरिएंट में मिलेगा, 4GB का रैम, 32GB इंटरनल, 6GB का रैम, 64GB इंटरनल और 8GB का रैम, 256GB इंटरनल। आप इसको 125GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, हुआवे का एक नया फोन आया, इसका नाम है मेट 9 लाइट। इसके अंदर आपको 5.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, डुअल सिम मिल जाती है, किरिन 960 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाता है, किरिन हुआवे का अपना खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको माली का G71 का GPU मिल जाता है, 4GB की रैम मिल जाती है और 64GB की इंटरनल मेमोरी। दोस्तों, लाइको का एक नया फोन आया है, लाइको मैक्स 3। इसके अंदर आपको 5.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर, एड्रियन का GPU, और ये फोन आपको 2 वेरिएंट मिलेगा, 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी और 6GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी। इसके अंदर आपको 3900 मिनी एम्पियर की बैटरी मिल जाती है। दोस्तों, एक नया VR हेडसेट आया है जिसमें एंड्रॉइड के लिए और आईफोन के लिए मर्ज कर दिया गया है सेटअप, यानी एक ही VR हेडसेट आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, और इसकी कीमत 5000 के करीब रखी गई है। दोस्तों, मोटोरोला मोटो मोड्स बनाने वाली कंपनियों का सपोर्ट कर रहा है, वो उन्हें फंड दे रहा है ताकि वो और भी मोटो मोड्स बना सके। दोस्तों, OnePlus का एक नया मॉडल आया जिसका नाम है OnePlus 4 टिप्ड। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 830 का प्रोसेसर मिलेगा और ये जून या जुलाई तक अगले साल लॉन्च हो जाएगा। 8GB की आपको इसके अंदर रैम मिल जाएगी, 3000 मिनी एम्पियर का नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलेगा। अगली खबर सैमसंग गैलेक्सी J2 प्राइम TV के बारे में है। ये सैमसंग का एक नया फोन है जिसके अंदर आपको 5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है, डुअल सिम कार्ड मिल जाता है, मीडियाटेक का डुअल कोर प्रोसेसर मिल जाता है, माली का 720 GPU मिल जाता है, 1.5GB की आपको इसके अंदर रैम मिल जाती है, 8GB इंटरनल मेमोरी मिल जाता है, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं 256GB तक, और बैटरी इसके अंदर आपको 2600 मिनी एम्पियर की मिलती है, बैटरी कुछ कम है। दोस्तों, सैमसंग का एक नया फोन आया है, सैमसंग W2017। आपको याद होगा कि एक टाइम था जब बार फोन आता था, फ्लिप फोन आता था, तो फ्लिप फोन क्या होता था कि फोन खुलता था, तो सैमसंग ने फिर वही काम किया है, ये एक और फ्लिप फोन लेके आया है इतने सालों के बाद, जबकि फ्लिप फोन का फैशन खत्म हो गया था, लोग इसको यूज नहीं कर रहे थे, बट ये फिर मार्केट में लेके आया है। और इस फोन के अंदर आपको डुअल डिस्प्ले मिलेगा, एक ऊपर के साइड और एक खोलने के बाद दूसरी डिस्प्ले। इसके अंदर आपको 4GB का रैम मिलेगा और 64GB इंटरनल मेमोरी। दोस्तों, वीवो का नया मॉडल वीवो V5 इंडिया में लॉन्च होगा नवंबर 15 तक। इसके अंदर आपको 4GB की रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी और 20MP का सेल्फी फ्लैश कैमरा मिलेगा। दोस्तों, शाओमी के कुछ नए फोन्स आए हैं, शाओमी मी मैक्स, और जैसे ही वो ऑनलाइन हुए सेल के लिए 10 सेकंड में सारा स्टॉक खत्म, सब कुछ बिक गया। शाओमी रेडमी 4 आ चुके हैं जिसके अंदर शाओमी रेडमी 4A और शाओमी रेडमी प्राइम। दोस्तों, एंड्रॉइड और आईफोन के बीच में
कहा जाता है कि आईफोन सबसे ज्यादा सिक्योर है, आईफोन को FBI CIA वाले तक हैक नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंडिया इसका हब बन चुका है जहां के आईफोन या फिर एंड्रॉयड फोन इजीली हैक किए जा रहे हैं और हम लोग इस मामले में थोड़े ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे दिखेगा आपको सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।